या चंदा वसीयत वो ग्रॉस इनकम पर अदा करना चाहिए या नेट इनकम पर? ग्रोस इनकम असल है, वरना बहाने बहुत से बन जाते हैं। नेट इनकम की जो बहस उठाने वाले लोग हैं वो बहुत सी कटौतियाँ खुद ही कर देते हैं। बाद सेक्रेटरी ने माल के मुतालिक भी शिकायत मिली कि सेक्रेटरी माल हैं मगर चंदा ठीक नहीं देते। जब मैंने तहकीक करवाई तो पता चला, उन्होंने कहा एक तो जो टैक्स मेरा काटा जाता है उसको मैं वजह करता हूँ, फिर जो कार का अलाउंस मिलता है मुझे मैं उसको वजह करता हूँ, फिर बच्चों का जो अलाउंस है मैं उसको वजह करता हूँ, फिर और बहुत से उन्होंने अलाउंस बनाए। और अगर 25,000 महाना इनकम थी तो आखिर पे कट कटा के 5,000 रह गई। तो ये नफ्स के बहाने हैं। कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पर चंदा दे, और उससे नुकसान नहीं होता, हमेशा बरकत मिलती है। एक आज ही एक ख़त मुझे इस किस्म का एक मिला था, बड़ा दिलचस्प। पहले एक ख़ानदान है कनाडा में, वो चंदा उस वक्त ज़्यादा नहीं था, आमद उनकी ज़्यादा नहीं थी, तो खामन भी बेचारा सौरत का बेकार था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने कहा $200 चंदा देना है हमने, मुजीदीन सब शम्स ने बड़ी दर्दनाक तकरीर की है, बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो तो आप कर्ज भी उठाएं तो कर्ज उठा के दे दें। तो उन्होंने कर्ज उठा लिया और कर्ज उठा के वो चंदा अदा कर दिया। जो दिलचस्प बात यह है कि उनको उसके फौरन बाद नौकरी मिल गई, और पहली नौकरी जो छूटी थी उससे $200 ज़्यादा तनख्वाह थी। अल्लाह ताला ने निशान दिखा दिया कि जो तुमने दिया था वो तो मैंने पूरा कर दिया। तो इसलिए खुदा कमी कभी भी नहीं किया करता। हर रोज़ का मेरा तजर्बा है, ऐसे खतूत आते रहते हैं कि जो दीनी कुर्बानी में ज़्यादा की तरफ मायल होते हैं उनको अल्लाह बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए इस नेट और ग्रोस की ज़्यादा बहस में मुबतला ना हो तो बेहतर है, और अगर नेट करना ही है तो बहुत ज़्यादा नेटिंग ना करनी शुरू कर दें।